हाय, दिस इज़ विनोद भार्गव और हम अपने सेशन इंग्लिश एनसीईआरटी 10th के अंदर डिस्कस कर रहे थे अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स को, और हमने कुछ रूल्स हैं कंप्लीटेड कर लिए हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी 10th के अंदर क्लास 10th में कुछ रूल्स, बेसिक रूल्स अपने और बचे हुए हैं, उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, हम टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमारा एक जो रूल है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने उसके बारे में पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत 9th क्लास में भी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमारा एक रूल बनता है हैबिट का, यानी जिसको हम बोलते हैं आदत। ठीक है, कुछ पर्टिकुलर हैबिट्स ऐसी होती हैं, कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो रेगुलरली यूज होने के कारण उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दर्शाते हैं। अब ये हैबिट्स है, ये ह्यूमन बींग की यानी इंसान की भी हो सकती हैं। ह्यूमन बींग होता है इंसान यानी मानव, उसकी हो सकती है। इसके अलावा किसी बीस्ट, जानवर, ठीक है, इसके अलावा बर्ड या पक्षी, किसी की भी हो सकती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि कुछ रेगुलरली यूज टू आदमी हो जाता है, रेगुलरली उस चीज़ को यूज कर रहा होता है, प्रयोग कर रहा होता है, इसलिए वो उसकी हैबिट्स बन जाती हैं। लेकिन इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये कुछ हैबिट्स हैं, कुछ लोगों की ये पॉजिटिव हैबिट्स होती हैं यानी सकारात्मक, ठीक है, और कुछ लोगों की क्या होती हैं, वो नेगेटिव हैबिट्स होती हैं, नेगेटिव हैबिट्स होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हैबिट्स को शो करने के लिए, ठीक है, इंसान या मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले रेगुलर कार्य, या फिर किसी जानवर या पशु के द्वारा किए जाने वाले, या फिर ऐसे कोई कार्य जो उसके हैबिट्स को शो करते हैं, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। देखो, पॉजिटिव हैबिट्स के लिए तो हम इजीली कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं, आई ब्लैंक, सेंटेंस मैंने आपको करवाया भी होगा, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ओके, अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। उसके बाद देखिए, सी ब्लैंक गो टू पार्क रेगुलरली, ओके। ये तो है किसी व्यक्ति की पॉजिटिव हैबिट्स, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, आई ब्लैंक वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब आई को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्लूरल में काउंट होते हैं, इसलिए हम इसमें वेक अप का वेक अप करेंगे, ओके। एक बात ध्यान रखना कि ये जो वेक क्रिया है, इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओके, ये अप इसके साथ प्रीपोजिशन के रूप में आता है, इसलिए जो चेंज होता है वो वेक में आता है, अप में कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं। जब हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म की बात करते हैं, यानी प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल्स, ये मैंने आपको बताया था। तो जैसे अपन वेक की बात करेंगे, वेक वोक वॉक, ठीक है, वेक मीन्स होता है जगना, वेक वॉक वॉक। अच्छा, एक होती है अवेक, अवेक जगाना होता है, अवेक अवोक 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 अवेकन अवेकन, ठीक है, इन दोनों में फर्क का ध्यान रखेंगे, ओके। तो ये किसी व्यक्ति की रेगुलरली यूज्ड हैबिट्स है कि वो सुबह जल्दी उठता है, ठीक है ना। तो यहाँ आई सब्जेक्ट के रूप में, इट्स ए प्लूरल सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग वेक अप, वी आर नॉट यूजिंग एस और ईएस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बिकॉज इट इज द प्लूरल। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिएगा, सी ब्लैंक गो टू पार्क रेगुलरली। यहां पर हमारे पास इस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के दो ऑप्शन है। फर्स्ट वन, वी आर यूजिंग रेगुलरली, एंड रेगुलरली इज द एडवर्ब, एंड रेगुलरली वी आर यूजिंग इन सम काइंड ऑफ द एडवर्ब्स, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इट्स अ फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन रेगुलरली आ रहा है। एंड द नेक्स्ट वन आइडेंटिफिकेशन, द अदर आइडेंटिफिकेशन इज द सेंटेंस शोज अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बिकॉज इट्स ए हैबिट। She is going to, yeah, I say, she goes to park, she goes to temple, she goes to school regularly. It's a habit also, okay? So that's why, see, it's a singular subject. And singular subjects, it means the first form of the verbs has a S or ES. And last of the verbs, we are seeing O. And O means S or ES. Okay, because we have already done this kind of rules. If we have the singular subjects and the verb has a S, double S, CS, SS, OZ, that's why we have to add S or ES if we find the subject is a singular. That's why we use gods. Okay, yes. So both
और रूल आर कंप्लीटेड फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सेइंग द हैबिट्स ऑफ अ बेस्ड ह्यूमन बीइंग्स आल्सो एंड सेकंडली इन दिस सेंटेंसेस वी आर यूजिंग सम काइंड ऑफ द रेगुलरली वर्ड इट्स एडवर्ब एंड द एडवर्ब शोज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रेगुलरली एडवर्ब शोज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ठीक है तो इस तरीके से रेगुलरली आने के कारण प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी प्रयोग करते हैं और दूसरा ये उसकी हैबिट को शो कर रहा है तो ये तो किसी व्यक्ति की पॉजिटिव हैबिट्स हो सकती है अच्छा एक सेंटेंस पॉजिटिव हैबिट में और भी आता है मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं कौन सा वो भी देख लीजिए जैसे डॉग्स ब्लैंक ब्रैकेट में वो हमने ले ली बार्क एट नाइट रात में कुत्ते भौंकते हैं ओके इट्स ए हैबिट्स ऑफ द डॉग्स बिकॉज द डॉग स्टार्टेड बार्किंग एट द नाइट दैट्स व्हाई इट्स ए हैबिट ऑफ द डॉग्स सो वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड द डॉग्स इज अ प्लूरल सब्जेक्ट दैट्स व्हाई प्लूरल सब्जेक्ट सो वी यूज जस्ट बार्क बार्क इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इट मीन्स भौंकना द सेकेंड फॉर्म ईडी प्लस हो जाएगा थर्ड फॉर्म ईडी प्लस हो जाएगा बार्क्ड 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 ओके तो इस तरीके से ये पॉजिटिव हैबिट्स के कुछ सेंटेंस हैं जो किसी वस्तु या किसी जानवर की हैबिट्स को शोज करते हैं अच्छा अब हम कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं जो नेगेटिव हैबिट्स को शो करते हैं नेगेटिव हैबिट्स को शो करने वाले कुछ सेंटेंस भी हमारे पास में हैं जो नकारात्मक आदतों को दर्शाते हैं तो देखिए अब नकारात्मक आदतों को दर्शाने वाले कुछ सेंटेंस हमारे पास में जिसमें किसी जानवर पशु पक्षी की कोई आदत हो सकती है ठीक है अब एग्जाम में वो सेंटेंस आपके सामने देता है थोड़ा सा घुमा के दे सकता है लेकिन आपको बड़े ही पेशेंस के साथ उसको फिलअप करना है जैसे उसने सेंटेंस दे दिया हैबिट के लिए एक सेंटेंस हमारे पास में आ गया कि स्नेक्स ब्लैंक ब्रैकेट में वर्ब है मेक देयर हॉल्स नेक्स्ट सेंटेंस Cuckoos, blank, same sense, make their nests. Okay? These two sentences are the most important sentence and these two sentences shows the negative habits of the particular beast because the sentence will be given very easily but the main and the important thing is hidden behind we are looking the first form of the verb it's a make and the make is the first form of the verb and that's why make has the two form and it has made and the last is the made make made made banana we call in Hindi and now snakes make their holes we are talking about snakes ki jo saap hote hain snake hote hain तो स्नेक्स क्या करते हैं अपने बिल बनाते हैं यानी कि सांप अपना बिल बनाते हैं दूसरा कुकूज कुकूज कोयल होती है वो अपना घोंसला बनाती है इज इट करेक्ट और नॉट इट शोज द हैबिट्स बिकॉज दे आर मेकिंग देयर होल्स और नेस्ट्स इट्स करेक्ट बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर एक्चुअली स्नेक्स और कुकूज ये दोनों हैं अपना लिविंग प्लेस नहीं बनाते हैं ओके इट मीन्स द बोथ ऑफ द सेंटेंसेस हैज द नेगेटिव सेंस एक्चुअली द वर्ब इज अ पॉजिटिव बट वी हैव टू यूज टू मेक नेगेटिव सेंस इन द सेंटेंसेस सो बी केयरफुल एंड हैव योर माइंड दैट मेक इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बट यू विल हैव टू मेक द सेंटेंस नेगेटिव आपको ये वाक्य नेगेटिव बनाना होगा ध्यान रखना अगर आपने स्नेक्स और कुकूज के अकॉर्डिंग हैबिट्स को शो करने के लिए आपके माइंड में रहेगा कि इट हैज द हैबिट और अगर आपने इसमें प्लूरल सब्जेक्ट मान के इसमें अगर आपने क्या कर दिया मेक भर दिया तो सेंटेंस गलत होगा बिकॉज बोथ ऑफ द क्रिएचर शोज द नेगेटिव सेंस एंड नेगेटिव सेंस का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि नकारात्मक आदतों को दर्शाते हैं इसलिए ये सेंटेंस भी कैसे आएंगे नेगेटिव आएंगे अब इसमें आपको देखो क्या करना है स्नेक्स अब ये नेगेटिव है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं डू नॉट का अब डू नॉट के बाद में मैंने आपको बताया था जब डू और डज लग जाते हैं वर्ब में कोई एस या ईएस नहीं जुड़ता वो वी वन आ गई ठीक है तो यहां पर हम यूज करेंगे डू नॉट मेक ठीक है यू विल हैव टू मेक द सेंटेंस नेगेटिव इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इफ यू फाइंड सम काइंड ऑफ द सेंटेंसेस सम काइंड ऑफ द क्रिएचर दे हैव द नेगेटिव हैबिट्स बिकॉज द सेंटेंस इज गिविंग इन द पॉजिटिव सेंस बट यू विल हैव टू मेक इन द नेगेटिव ओके सो कुकूज
सेम डू नॉट मेक. ओके, सो बोथ ऑफ द क्रिएचर्स हैज अ नेगेटिव हैबिट रिगार्डिंग द लिविंग प्लेसेस. ओके, तो रहने के संबंध में इनकी नकारात्मक आदतें होती हैं कि कोयल अपना कभी घोंसला नहीं बनाती है और सांप अपना बिल कभी नहीं बनाता. तो ये हैबिट है वो नेगेटिव तरीके से दर्शाई गई है, इस वजह से इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं. तो समझ में आ गया होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमने यहाँ पर हैबिट पर चर्चा की है. कुछ नेगेटिव हैबिट्स होती हैं, कुछ पॉजिटिव हैबिट्स होती हैं. तो कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो जिनका बड़ा ही विशेष रोल होता है, और उनमें खासकर ये सेंटेंसेस आते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि कुछ क्रिएचर ऐसे होते हैं जिनकी पॉजिटिव हैबिट्स को शो किया गया होगा लेकिन एक्चुअली वो नेगेटिव चीजें हैं या नेगेटिव हैबिट्स हैं वो रखते हैं, इस वजह से सेंटेंस को नेगेटिव क्रिएट कर दिया. हाँ, आपके सामने वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए यहां पर वर्ब है वो नेगेटिव ना देकर के पॉजिटिव दे देगा. और आपके सामने अगर वो नेगेटिव दे देता है जैसे नॉट मेक दे दे आपको, अगर नॉट मेक आपको कहीं भी मिल रहा है या मैं ये कहूं नॉट ब्रैकेट में नॉट लगाकर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको कहीं भी मिल जाती है तो इट मींस इसका सीधा सा मतलब यही है कि आपको सेंटेंस को उसी टेंस में जिस टेंस का प्रयोग कर रहे हैं एंड वी आर यूजिंग द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो आपको उसी टेंस में आपको नेगेटिव बनाना होता है. ओके, यस. तो ये हैबिट से लेकर के हमने चर्चा की है. अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप और अगले रूल पर. अब देखो, मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन करवाया था जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था इंपेरेटिव सेंटेंसेस का, और इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हमने एक बात पर चर्चा की थी कि इंपेरेटिव सेंटेंस में वी हैव डन, वी हैव कंप्लीटेड या वी हैव डन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. हमने जाना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का हम प्रयोग कर रहे हैं. ओके, लेकिन हम उस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब के साथ एसएस जो रूल यूज करते हैं वो हमने इंपेरेटिव सेंटेंस में नहीं किया है. इसका मतलब सीधा सा ये होता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में आने वाली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, बिकॉज इंपेरेटिव सेंटेंस वो एक सिर्फ सेंटेंस है. उसके आइडेंटिफिकेशन पे हमने डिस्कस किया, बिकॉज द इंपेरेटिव सेंटेंस इज द डिफरेंट काइंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन रेदर देन प्रेजेंट indefinite tense. उसका pattern अलग है. Present indefinite tense या tense के जो अन्य sentences होते हैं सब में subject, helping verb, main verb, object ये सारी activity होती है. लेकिन हमने देखा imperative sentence में ऐसा कुछ भी नहीं है. Sentence है वो उसकी starting कुछ अलग तरीके से होता है. Subject है वो hidden behind छुपा हुआ रहता है. Object को जरूरी नहीं, ठीक है, not necessary, maybe or not, आ सकता है नहीं भी आ सकता. The center point of the sentence is the first form of the verb. लेकिन आपसे question ये कहा जा सकता है, is the imperative sentence the present indefinite tense? Then you will say no. The present indefinite tense shows the first form of the verbs according to the subject and the V1 plus S or ES. That's why and in the this conditions did not go, ya phir hum ye keh sakte hain this condition does not go to imperative sentence. That's why hum use present indefinite tense nahi keh sakte kyunki ye dono rules ko follow nahi karta. According to subject nahi chalta hai kyunki isme subject hidden behind hota hai. To humne wahan sirf v1 ko importance kiya ki correct form of the verb ke andar yahan ye ho sakta hai ki first form of the verb ka humne prayog karte hain ki verb ki first form hum use karte hain. Ab isi sense mein agar hum aage badhe to ek chhota sa important rules aapne padha bhi hoga. आपने पढ़े होंगे मॉडल्स. ओके, आपने मॉडल के बारे में पढ़ा होगा कि मॉडल क्या होते हैं. मॉडल भी एक मॉडल ऑक्सिलरीज जो होती हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं. कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, नीड, डेयर, ओट टू, आउट टू, ये सब पढ़ा होगा. आपका टॉपिक आएगा उस पर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे. लेकिन फिलहाल एक जनरल इंट्रोडक्शन के रूप में हम बात करें कि हमारे 13 मॉडल्स होते हैं, ठीक है ना. आपके मॉडल्स होते हैं टोटल 13. ओके, मॉडल ऑक्सिलरीज जिसमें हम यूज करते हैं, कैन है अपना, कुड है, ठीक है, इसी प्रकार मे है आपका, या माइट है, मे माइट. ओके, इसी तरीके से आपका विल है, विल के बाद में आपका वुड है, वुड के बाद नेक्स्ट आपका नीड. ओके, आउट टू, ऑयूजीएसटी, आउट टू है, डेयर है, ठीक है, यूज्ड टू है, शैल है, शैल के बाद शुड है, ओके, और मस्ट है. काउंट कर लें जरा, 2, 2, 4, 2, 6, 8, 10, 2, 12 और 13. तो ये 13 आपके मॉडल्स होते हैं. अच्छा, इनका नेगेटिव फॉर्म बनाते हैं नोट लगा करके, लेकिन उसको हम काउंटिंग में नहीं गिनते हैं. बस थोड़ा सा ये है कि टोटल संख्या में कितना होते हैं, ये 13 होते हैं. तो ये मॉडल्स होते हैं भैया, ध्यान रखना. और ये मॉडल्स है एज ए हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं. द मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर,
after the modals, when we are using the modals in the sentence, that's why you will say after the modals, you will have to add the first form of the verbs. Just like, jaise, she can blank bracket dal dega aapke samne, speak English frequently, okay, frequently, ठीक है। अब सेंटेंस हमारे पास में ये है, she can speak English frequently, okay। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट के बाद में इसने मॉडल डाल दिया हमारे पास में। अब मॉडल जब आ जाता है तो मॉडल के बाद में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखें यहां स्पीक आएगा। अब यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपको बताया कि आफ्टर द मॉडल्स यू विल हैव टू यूज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स एंड यू विल नॉट सी शी द सब्जेक्ट इज अ सिंगुलर। नो, आपको नहीं देखना, बिकॉज मॉडल के अकॉर्डिंग देखो सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है आपकी कैन, जब कैन लग गया मॉडल तो वर्ब फ्री रहेगी, इसलिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। तो मॉडल्स के बाद में ध्यान रखना, कभी आप ऐसा सी मान करके इसमें स्पीक्स कर दो गलत हो जाएगा। तो मॉडल्स अगर है तो मॉडल्स के बाद अगर आपको ब्लैंक देता है किसके अंदर देगा आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी मॉडल्स वाले सेंटेंस के अंदर अगर आपको इस तरीके के सेंटेंस दिए जाते हैं तो आप ध्यान रखेंगे कि ऐसे सेंटेंसेस में क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग किया जाता है जब मॉडल्स के बाद इसका प्रयोग होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए आगे इसी प्रकार और देख लीजिए, यू शुड ब्लैंक ओबे योर पेरेंट्स, ओके, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। अब इसमें देखिए शुड आ गया, अकॉर्डिंग टू यू शुड हमें ओबे लगाना है, OBEY, हम किसी प्रकार के वर्ब में चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये दूसरा रूल्स आपका हो गया कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के अंदर इफ यू फाइंड द मॉडल्स आफ्टर द सब्जेक्ट देन यू विल हैव द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स यू विल हैव टू एड द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स बिकॉज आफ्टर द मॉडल्स इट इज द कंपल्सरी एंड द मैंडेटरी यस द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स विल बी यूज्ड, ओके। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसका प्रयोग किया जाता है मॉडल्स के बाद में ब्लैंक आने पर, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया एक तो हैबिट्स को और दूसरा मॉडल्स को, ठीक है। आई होप आपको बहुत ऑफ रूल समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉमेंट के माध्यम से हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके आप अपना कॉमेंट है वो डाल सकते हैं, और बाय द वे कॉल भी कर सकते हैं। सो आप इसका रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, इस पर आप जनरली इन रूल्स को अपनी नोटबुक में नोट करते रहिए। बाकी हम इनकी PDF भी डालने वाले हैं ये ना सोचें, लेकिन फ़र्क ये है कि आप इसका प्रैक्टिस खुद करेंगे, इसके ऊपर नोट करेंगे, PDF आपको मिल जाएगी, प्रैक्टिस सेट आपके हम लगाएंगे जैसे आपका टॉपिक पूरा होगा उसके बाद में, ठीक है। सो गुड बाय।